आपको पता है मैंने माँ को ना सुरैया के बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर क्या, माँ का तो रंग ही उड़ गया, इसलिए देखा था आते हुए कैसे आगे पीछे हो रही थी। यानी ग्राउंड बन गया। इतनी अकेली थी वो, रहे हम जिन पर सुर के। देखा ना, वो वहीं पर बैठे हैं जहाँ वो छोड़कर गई थी। तुम तो ना चुप ही करो, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो अपना। वो वैसे भी बाजी कहता है उसे। वो तो जिनकी आदत है। आदत होती तो मुझे भी कहता ना। तुम्हारे ना दिमाग में ना फिल्म में घुस गई है। ठीक है जी, आपकी मर्जी। वैसे मुझे उस औरत की बातें ना ठीक नहीं लगती। गोगी बहुत सादा इंसान है, और वैसे भी अगर वो उसे पसंद करता ना तो मुझे साफ साफ कह देता। वो उसकी टीचर है और वो उसको सिखाने आती है, समझ में आई बात? मास्टर साहब भी आपके टीचर थे। ये बात और है। और तुमने तो दिमाग मत चलाया करो अपना, घुटनों में से। Hey Pete, look awesomeness. Hey, my body and my clothes. या तुम घर की काली मिर्च ना खत्म किया करो यार, प्लीज। Hey Pete. अरे मास्टर साहब, आप बेचारे भी ना बड़े ही कोई बदनसीब हो। फिर उधर का मामला तो ठीक है, लेकिन फरवा बीबी का दिल बदलना ना बड़ा जरूरी है। वही तो, इसी का तो सब मसला है। और वो गोगी तो बड़ा ही कोई ढीठ इंसान है। अरे कोई और होता ना अब तक तो सिल्की बाजी की बातों में आ जाता। कैसे? आदमियों को ना बड़ा शौक होता है हमदर्दी लेने का, और इस बात पे तो बड़े ही खुश होते हैं कि वो जिसके पीछे हैं उसे उनकी परवाह ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, गोदी चढ़ने का शौक होता है, काका बनने का। लेकिन इधर मामला चले गया आज फिर दोनों, वरना लड़ाई पक्की थी। हाँ, जहाँ मोहब्बत होती है वहां शक तो फौरन पैदा होता है। परवा बीबी को कोई परवाह नहीं है, कुछ पूछा तक नहीं उन्होंने। तो मामला हमारी लाइन से जरा बाहर जा रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। क्या? बाजी आराम से करो ना। सर डैश है यार, इतनी बार मैं उसको समझाती रही कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, मगर उस उल्लू पे मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। सच्ची मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत पे किसी बात का असर नहीं होता। मतलब तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं थी क्या, जो तुम आ गई किसी की बातों में? सॉरी, मुंह से निकल गया था मेरे। अब देखो प्लीज, रोना नहीं। लो, माफ कर दो मेरी माँ, गलती हो गई। सॉरी। ये लो, फिर दुख गया इनका दिल। अल्लाह, तू बाजी की शादी करवा दे मुस्तन सर से, या फिर इनके मियां को वापस भेज, नहीं तो मेरा ही कोई इंतजाम कर दे, तंग आ गई हूं मैं। कौन आ गया? अल्लाह, ये लोग कहां से आ गए हमारे घर पे?
बाजी, बाजी। सॉरी सॉरी बाजी, उस दिन आ पाई मैं आपसे मिल भी नहीं सकी, वेरी सॉरी। मैं सच बताऊं, मुझे आपसे मिलने का इतना शौक था, क्या बताऊं? बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, फिटी ना? बड़ी फिट है यार ये तो। ये कमकोट यहाँ पर कहाँ से आ गए? तुम मुस्तंसर की बीवी हो? जी जी जी, अभी तो बताया था आपको। हाँ लेकिन तुम तो बहुत छोटी सी हो। लेकिन इसके इरादे बहुत बड़े हैं, ह्यूज। कैसे दोनों साथ साथ बैठे हुए? ठीक कहती थी फरवाइज के बारे में, कहता एकदम जी, वो मुझे पढ़ाने आते थे। उन दोनों की लव मैरिज हुई है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे भाई, मैंने ना उनसे जबरदस्ती शादी की थी। वो बाजी, हे, इसकी हार्ड डिस्क थोड़ी सी खराब है बाजी, आप फिक्र ना करें, नो वरी। जबरदस्ती शादी नहीं की है? जबरदस्ती नहीं की तो क्या किया है? यार क्या हो गया तुम्हें? For the sake of true and the fact, face बाजी ear, मतलब सच सच बताओ बाजी को कि सच क्या, उनके चेहरे पे बताओ यार। हाँ बाजी, असली बात ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपसे से वो करती है मतलब मोहब्बत यार, वो हक का भी लालच दो ना, हक भी। जी नहीं, आप मतलब उनके साथ रहना चाहती हैं, इसका ये मतलब? इसकी और सर की जो शादी है वो बस ऐसे ही है, जल्दबाजी में हो गई थी, क्विकली। हाँ बस ऐसे ऐसे, मैं आपको सच बताऊँ, भी आप पे लट्टू है, हर वक्त कहते थे सुरैया अंजुम, आप मुझे सच सच बता दें आप उनसे शादी करना चाहती हैं ना, तो हम दोनों हैं जो आपकी शादी करा सकते हैं। हाँ और वो तो आपका नाम लेके ना पानी वाली टैंकी पे जाके रोता है यार वो आदमी, इट इज सैड, ओएमजी यार, एलओएल। पॉइंट सोच ली, 1 2 3 मान गई मान गई मान गई बाजी, मान गई बाजी, मान गई, यस बाजी यस, बहुत बहुत मुबारक हो, कितनी प्यारी लगेगी दुल्हन बनके, वैसे इतनी प्यारी है। उल्लू बना रहे हैं वो दोनों तुमको, बच जाओ, अब इस उम्र में बदनामी करवाओगी? एक माँ बाप का दिया हुआ घर ही तो बचा है, इससे भी निकलवाओगी क्या? सिल्की फरवा बिल्कुल ठीक कह रही, तुम शादीशुदा हो और फरवा मुस्तंसर की बीवी है, कब निकलोगी तुम इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर? बड़ी हो जाओ तुम। जलती है तुम, मेरा भला होते हुए देख ही नहीं सकती। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फरवा मुस्तंसर के साथ घर से भागी थी, और ये गोगी, ये पता नहीं कहां से बीच में आ गया। तुम्हें पता है क्यों बुलाया था उन्होंने मुझे? मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं इस गोगी नाम की बला को फरवा के सर से उतार के फेंकूं, क्योंकि मुस्तंसर बेतहाशा प्यार करते हैं फरवा से, उसे खोना नहीं चाहते वो। झूठी बेकारी है तुम,
गोगी को तो ये भी नहीं पता था कि मैं तेरी बहन हूँ और ये घर तेरा है। उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। और बाजी प्लीज तुम खुदा के वास्ते उस मुस्तनजर को माफ कर दो, शादीशुदा हो तुम। और आपको पता है वो तो ना आपका जिक्र सुनते ही ना खिल गई ऐसे। सर वो सच में आपसे बहुत ही मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है आपसे सर। यू आर वेरी लकी सर। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैंने उनसे कह दिया कि आप मेरे माँ पापा के पास जाएं, उनको साफ साफ बता देंगे आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। और बस ये कि मैं तो बिला वजह बीच में आ गई और आप एक शरीफ आदमी है, इस वजह से आप मुझे छोड़ नहीं पा रहे हैं। कैसा? सुरैया ने क्या कहा? वो तो फौरन मान गई। और हाँ मैंने तो गोगी को ये भी कह दिया कि उनके हस्बैंड को पता लगाओ कि कहाँ छुपे बैठे हैं वो, और उनको बुला के ना इनकी तरह तलाक शलाक करा दो। तो गोया तुमने पूरी तैयारी कर ली? हाँ तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो और नेक्स्ट स्टेप तो ना और भी सिंपल है। वैसे सर एक बात बताऊं, आप ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट। आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आपके लिए कुछ करने का। मैंने ना गोगी को कह दिया कि आप दोनों के ना हनीमून टिकट्स करा दे पेरिस के, कितना मजा आएगा आपको। लॉट बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं आरामी से बीमार हो जाओ। सेफ, गुड नाइट। के तुम दिल में लड्डू फूट रहे हो। उतनी ही खूबकार, उतनी ही लालची, तुम्हें अपनी कमिटमेंट का न कल एहसास था न आज है। निभाने वाले वादे भी निभाते हैं, और तुम निकाह करके फिरना चाह रही हो। अफसोस मैं इतने बरस एक ऐसी औरत की मोहब्बत में मुब्तला रहा जिसे शायद मोहब्बत के मानी भी नहीं मानी। मोहब्बत तो सुलगते रहने का नाम है। सुरैया भड़क के जलने वाले क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको बेवक्त तंग किया किदवाई साहब, आसमा का नंबर चाहिए था। आप कहाँ चल दी सुबह सुबह तैयार होके? फरवा की तरफ जा रही हूँ। फरवा की तरफ? भाई ये तो बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा तो पता नहीं है या नहीं है, बस दिल काबू में नहीं है। खुदा करे कि ये खबर झूठ हो। खुदा अच्छा करेगा। अब देखिए, सोचा था कि उम्र रसीदा दामाद मिला है तो अब कम से कम दूसरी औरत का कोई चक्कर नहीं होगा, मगर ये भी बिद्दत पूरी हुई। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, औरतें तो पता नहीं क्या कुछ करती हैं। आप फिलहाल वहां जाइए और देखिए क्या कुछ हो सकता है, आप भी मिलके कोई हल निकाल लें। चलिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। Thank you.
मामा आप? अरे तुम तो उस दिन की गई फिर खबर ही नहीं ली, और मस्तनसर ने भी पलट कर नहीं पूछा। क्या हुआ मामा? मामा वो सारा तो घर पे ले आए। क्या मामा? मैं समझती थी मेरे आने के बाद सर उसे भूल जाएंगे, लेकिन तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया फरवा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी नहीं तो खत्म भी तो हो सकती है ना। मामा इन्होंने तो मुझे पहले से नहीं बता दिया था, इसलिए तो मैं घर आना चाहती थी। लेकिन कल तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया क्यों भाई मुरम्मत खत्म, अब तो सुरैया इसी घर में आएगी। और क्योंकि वो जहाँ आते जाते ना उनसे मिलने के लिए वहाँ लोगों को एतराज होता है, उसकी शादी करने बोले। हाय खुदाया, ये क्या हो गया? इसलिए वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था उस दिन तुम्हारे इम्तिहान का, पता नहीं वो किसी और शख्स का नाम भी ले रहा था। हाँ वो भी इसीलिए कह रहे थे, और मुझे जाने नहीं दे रहे थे ना वो भी इसीलिए। मामा आपको तो पता है ना आसमा भी उनकी फेवरेट है, उन्होंने तनवीर वाला इल्जाम ही मुझ पर इसीलिए लगाया था ताकि आप लोग मुझसे बदजन हो जाए और वो बुरे भी ना बने, बदनाम भी ना हो, और मुझे आराम से छोड़ के सुरैया से शादी कर ले। मगर उसको इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें साफ साफ भी तो बता सकता था कि कहीं और कमिटमेंट है। मामा आप तो जानती है ना सर जैसे और आसमा भी जैसे जहीन लोगों को कितने सहेगा होते हैं, है ना, है ना? आपको याद है ना आसमा भी कैसे मेरे मंगनी वाले थे, मेरे मंगे तो वही लेके उड़ गई थी। अब तो मेरे पास कोई रास्ते भी नहीं है कि मैं सुरैया की मुलाजमा बन के घर में रहूं। ना ना ना, मेरी बच्ची क्यों किसी की मुलाजमा बन के रहेगी? चलो तुम जाओ, जाके अपने कपड़े समेटो, पैक करो और घर चलो मेरे साथ। मेरे को तो बता दो। हाँ बताओ बताओ, बुलाओ उसको, बल्कि उसे मैं बताऊं कि ऐसे भी क्या अंधेर है, मेरी बच्ची को लावारिस थोड़ी है। जाओ बुलाओ, बता दी उसे लेकर। बाजी फरवा तो बेवकूफ है, कुछ भी नहीं पता है उसे। फरवा को बेवकूफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो गोगी से मोहब्बत करती है और तुम गोगी पे मरती हो। क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो फरवा? बाहर ना मामा आई हैं। गेस करें क्या हुआ? हाँ क्या? मैं ना परेशान हो रही थी कि मामा को कैसे कहूंगी मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन खुद बखुद बात ऐसे बनती गई कि बस। क्या बात? मैंने ना मामा को कहा कि आप और आसमा अभी ना दोनों मिलके मुझे बदनाम करें ताकि आप दोनों उनकी गुड बुक्स में शामिल हो जाएं और फिर आप आसानी से मुझे छोड़ दें और सुरैया से शादी कर लें, कैसा? अभी ना मामा बाहर टमाटर बनी बैठी हैं और आपका वेट कर रही हैं। तो आ ही गया वो वक्त जिससे डरता था मैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। सही है सही है। ओ सुरैया को फोन कर देती हूँ, अभी उनकी एंट्री का टाइम है ना, कितना मजा आएगा। ओ हाँ पैकिंग भी तो कर लेती हूँ, जल्दी कर दी जल्दी। Thank you.
ऐसे क्यों खड़ी है? जाके तैयार हो, तेरा आखिरी दिन है आज जॉब का। आज आखिरी दिन है तो फिर फंसा लिया उसे अपने जाल। नहीं, मुझे पता था मुस्तंसर अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा। फरवा और गोगी एक दूसरे के लिए ही बने। मुझे नहीं अंदाजा था, मुझे नहीं पता था कि मैं मुस्तंसर के कहने पे आग से खेल रही हूँ। मैं जल गई, मैं सारी की सारी जल गई बाजी। मुझे पहले से ही पता था पागल, जिस तरह तू उसका जिक्र करती थी, जिस तरह उससे बात करते हुए तेरे गाल सुर्ख हो जाता था। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। ये लोशन ले लें, ये एंटी एजेंट है, ये लिपस्टिक ले लें, ये मस्कारा ले लें, कॉस्मेटिक्स है पागल। भला जज्बात भी बेचे जाते हैं? ये लड़की ठीक नहीं है, किसी और तरफ देखो। मैं खड़ी हूं पर मुझे ना देखो, ऐसे सौदे में घाटा पड़ता है। बाजी सब जानती हो तो क्यों आ रही हो उनकी बातों में? क्यों चल रही हो उस रास्ते पर जिसका अंजाम मालूम है तुम्हें? तेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता बचा? पता लगा ही लिया है। और दो एक दिन में कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। यारा क्या बात है? वैसे ही ये मूवीज देखी? मैंने तौबा करी है ना देखी, इसका उर्दू तर्जमा भी नहीं है, समझ ही नहीं आती मुझे। ऐसे ही ये तो बस फरवा को खुश करने के लिए देख रहा था, पर अच्छी बात है आज आखिरी दिन है, जान छूट जाएगी। एक खुशी की बात है कि आज आखिरी दिन है। ये उम्र की हालांकि कम है मैडम जी, लेकिन पक्की पीठी है यार, बहुत पक्का दिमाग इसका, अपने काम से काम रखती है। बताओ बताओ और क्या क्या खुसूसियात हैं उस लड़की में? फरवा खुश हो जाए यार, ये सारे मसले खुद ही सीधे हो जाएंगे। और क्या क्या रिपोर्ट है? पर तू क्या घूरी जा रहा है? हाँ है क्या मसला, क्या तेरे साथ? कुछ नहीं, लगता है कोई कीमती चीज गुम हो गई आप, बल्कि लग रहा है तुम्हारी कांक गवाज गई। बड़ी शेर, ओ शेर पहुंच जाता तूने जहां पहुंचना होता है ना। हेलो सुरैया बाजी,
जितनी जल्दी हो सके ना, जितनी जल्दी हो सके आप फौरन से आ जाएं। अभी मामा भी यही है, हो सकता है उनसे बात करते करते कोई रास्ता ही निकल आ जाए हैं। और अगर आप आ गई ना उनके सामने, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मगर फरवा, अगर तुम्हारे जाने के बाद उस संसार ने मुझे जाने के लिए कह दिया तो फिर? ओहो, कुछ नहीं कहेंगे, और आपको तो वो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी आप बेफिक्र हैं, मैं जाने से पहले मैं उनसे बात करके जाऊंगी। हैं, लेकिन फरवा। ओहो, लेकिन रिन को छोड़े तो यकीन के दिन आ गए सुरैया बाजी। जल्दी से घर आ जाए। ओके ओके, खुदा हाफिज। बखैर बेगम साहिब। हमें आपसे ऐसी हरगिज उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? पहले आपने हमारी मासूम बच्ची को बरगलाया, फिर उसे बदनाम किया, और फिर जब वो हमसे मजबूर होके कट गई तो अब आप ये दूसरी औरत। आपके ख्याल में मुझे आपकी बेटी के साथ कोई जाती दुश्मनी है? जी, लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको कोई जाती दुश्मनी है। पहले आपने तनवीर को बेचैन किया, हमें दुनिया भर में रुस्वा किया, और अब आपने एक नया शोशा छोड़ा है। हम इस बात पर आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं, आप प्लीज बैठिए। अब क्या बैठूंगी मैं खाक? बैठिए तो सही। आप प्लीज प्लीज बैठिए। देखें प्लीज, अगर आप ठंडे दिमाग से तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगी तो। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि हो क्या रहा है। वो तो बस मेरा दिल घबराया और मैंने सोचा मैं जाके अपनी बच्ची को देख लूं। आप तो मेरी बेटी को मुलाजमा बनाने चले थे। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपने जायदाद के लिए ऐसा क्यों किया? दिखने में तो कोई आप ऐसे फकीर और गरीब लगते नहीं है। आप ठंडे दिमाग से तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगी तो शायद हालात बेहतर हो जाए और आपको वाकयात की असल तस्वीर नजर आएगी। हिमाकत कर रही हो बाजी तुम? मुस्तनसर नहीं छोड़ेंगे फरवा को कभी। मगर फरवा ने मुझे खुद फोन किया। बाजी, फरवा तो बेवकूफ है, कुछ भी नहीं पता है उसे। फरवा को बेवकूफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो गोगी से मोहब्बत करती है और तुम गोगी पे मरती हो, है ना? जो भी कह रहे, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि मुस्तनसर फरवा को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और वो तुमसे मोहब्बत करता था, अब नहीं करता है वो। अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करते ना, तो इतने बरसों के बाद तुम्हारे बहाने यहाँ ना आते। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मुझसे ही मिलने आया था वो। भूल है तुम्हारी सबकी, तुम जानती नहीं हो कि चाहा जाना कैसा होता है। तुमने मोहब्बत की है, तुमसे किसी ने मोहब्बत नहीं की। की होती ना तो जानती। मोहब्बत में थी या है नहीं होता, मोहब्बत होती है, बस होती है। ना इसकी कोई इब्तिदा और ना कोई इंतहा। तुम नहीं मानोगी, बाज नहीं आओगी तुम, वहां जाके ही मानोगी तुम। हाँ, मैं जा रही हूं। मुझे पता है कि मेरे जाने से तुम्हारे और गोगी के मिलने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं मजबूर हूं सिल्की, वक्त बार बार दस्तक नहीं देता। तुम खुद कर दो।
हाँ मैं सच में मैं सुरैया से मोहब्बत करता था, लेकिन बहुत पहले की बात है। फरवा से शादी करने के बाद खुदा गवाह है मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में जगह दी है। आपको यकीन करना होगा बेगम सईद। माँ सुन लिया ना आपने, ये क्या कह रहे हैं कि सुरैया से मोहब्बत करते हैं? हाँ मैं सुरैया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी हिमाकत को आज ओन करता हूँ। लेकिन बस माँ बस, अब और क्या सुनने को बाकी रहेंगे? चले फरवा मुझे अपनी बात क्लियर करने दो। सुरैया गया वक्त है और गया वक्त लौट कर वापस नहीं आता। अभी आपने उनको बुलाया ना, अभी देखेगा वो आती होंगी। मैंने नहीं बुलाया है, मैंने कभी नहीं बुलाया, वो नहीं आएगी। तुम्हें देख के उसको पता चल गया है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो आएंगी सर, वो जरूर आएंगी, आप देख लीजिएगा वो जरूर आएंगी। फरवा मैंने उसे नहीं बुलाया। फरवा फरवा बेगम सईद मुझे मौका दीजिए अपनी सफाई पेश करने का। बात करते हुए हमें दूसरों की पसंद को अपने जहन में रखना चाहिए। हाँ जी। रोजमर्रा की गुफ्तगू बहस का अखाड़ा नहीं होती है। हमें अपनी गुफ्तगू से दूसरों को प्यार और मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए। बंदा वैसे सीधा सीधा कह दे कि यार अगले इंसान से तमीज से बात करनी चाहिए, इतना लंबा मजमून। मुखातिब के रहन सहन, उसके लिबास, उसकी बोल चाल पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि हम उसे रद्द कर रहे हैं। इस बात से गुरेज करना चाहिए। मैडम जी डिग्री कंप्लीट, सब सीख लिया सब। आपकी मेहरबानी मुझसे वादा करें आज आखिरी दिन है ना। आज आखिरी दिन तो कब जा रहे हैं आप फरवा के पेरेंट्स से मिलने? मेरा तो बस चले, मैं तो आज ही छलांग मार्केट के घर पहुंच जाऊं, जाते साथी मैं सीधा कहूं अरे लुक इतनी जबरदस्त पेंटिंग, क्या बात है। और आंटी आप तो फरवा की मां लग रही हैं। और अंकल आप तो वो क्लार्क कुबल, क्या क्लार्क केबल, उसका कैरियर आपने खतरे में डाल दिया। और अंकल बगैर मूंछों के इतना नफीस चेहरा, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा। एंड लुक हाउ इतना कुशादा, इतना मतलब हवादार। एंड व्हाट अ टी और टी टी, ओ यार प्लीज अंकल आप अपनी बेटी की शादी मुझसे अभी कर दें। लेकिन बहुत जी चेक करें कि मुझे सब पता है किस आदमी से कितनी बात कब कैसे कहां पर क्यों करनी है। नहीं लेकिन ये जो दिल है ना मैडम जी, कभी कभी ख्वार करा के रख देता है। मैं ये फोन मे आई अटेंड फोन कॉल यू में
मतलब लेवल चेक किया एंड यू मे एवरी डफिंग्स यू मे ऑल मे मेरे शौहर को बाहर गए हुए 7 साल हो गए। तुम्हारा कांटेक्ट उससे सिर्फ 3 माह से नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बस एक फोन कॉल और। सुरैया, ये सब एक ख्वाब है। इसे हकीकत न समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और इस सूरतेहाल को खराब होने से बचा सके। हाँ, मुझे यकीन था कि इस वक्त में तुम ही मेरा साथ दोगे। तो क्या करें अब? रोएं बैठ के। माँ, जो होना था वो हो गया।